नमस्कार, योग आरोग्य चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। लास्ट की वीडियो में हमने जाना था पतंजलि योग दर्शन का सेकंड सूत्र योगश्चित वृत्ति निरोधः। आज हम थर्ड सूत्र को जानेंगे, तदा दृष्टु सब रूपे अवस्थनाम। इसका अर्थ है जब दृष्टु की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। इसका अर्थ है उस समय दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। उस समय से मतलब है, हमने जैसे लास्ट वीडियो में समझा था कि चित्त की वृत्तियां क्या होता है और उनका निरोध होने पर कौन सी स्थिति आती है, हमने लास्ट वीडियो में समझा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, उस समय दृष्टा की अपने स्वरूप में मीन्स अपने रूप में स्थिति हो जाती है, इसका क्या अर्थ है। उस समय से यहाँ पर अर्थ है कि जब हमारे मन में, हमारे माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, जब वे एक एक करके उनका निरोध होने लगता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि विचार आने बंद हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, वह स्थिति की समाधि लगना शुरू हो जाती है, उस समय वही स्थिति बताई गई है कि उस समय दृष्टु। यहाँ अर्थ है चैतन्य आत्मा का, जो हमारी आत्मा है वह चेतन, हमारे शरीर में जो चेतन आत्मा है उसको दृष्टा कहा है, क्योंकि वह दृष्टु मीन्स वह देखने वाला है और साक्षी है। क्योंकि आत्मा कुछ भी कोई कार्य खुद नहीं करती है, लेकिन जो भी इस प्रकृति में हो रहा है, हमारे शरीर में जो भी हो रहा है, वह उस आत्मा के बिना नहीं हो सकता है। क्योंकि चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो हम विचार हैं हमारे मन में चल रहे हैं, हमारे माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, वो जड़ हैं। क्योंकि अगर शरीर में चेतना नहीं है तो क्या माइंड काम करेगा, माइंड में विचार आएंगे? तो इसलिए विचार तो जड़ हैं, इनमें चेतनता कैसे आती है? उस सोल से, उस आत्मा से इनमें चेतनता आती है, तभी वे विचार अपना कार्य करते हैं। इसीलिए जब इन विचारों का निरोध हो जाता है, तब वह आत्मा जिसे यहाँ पर दृष्टा कहा गया है, वह अपने रूप में स्थित हो जाती है। उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, जो इन सांसारिक चीजों में मैं लगा हुआ हूँ, मैं वह मेरा असली रूप नहीं है, मेरा असली रूप कुछ और ही है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सोने से आभूषण बनाए जाते हैं, लेकिन जब वो आभूषण बनाए जाते हैं वो प्योर सोने के नहीं होते हैं, क्योंकि प्योर गोल्ड का कोई भी आभूषण नहीं बन सकता है। उसके लिए उसमें कुछ मिलावट की जाती है, कुछ और मेटल की मिलावट की जाती है, तब उसमें उससे सुंदर सुंदर आभूषण बनते हैं। वापस जब वह आभूषण टूट जाते हैं, तब उनको सुनार क्या करते हैं, उनको भट्टी में पकाते हैं, और उसमें जो मिला हुआ था, जो भी उससे आभूषण बनाने के लिए जो उसमें मिलावट की गई थी, उसको भट्टी में पकाकर उसमें से वह मिलावट निकाली जाती है और प्योर सोने को उससे अलग किया जाता है। सेम यही काम योग का है। योग भी वही कार्य करता है जिससे प्रकृति के अन्य तत्वों से उसको अलग करके उससे बाद में जो बचता है वह शुद्ध और प्योर आत्मा ही होती है, आत्म तत्व होता है, जिसको यहाँ पर दृष्टा कहा गया है। और तभी वह समय आता है जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और वह पहचान जाता है कि मेरा यह रूप नहीं था जो मैं कर रहा था, मैं उस परमपिता परमात्मा का ही एक अंश था। और वह उसमें, वह अपने आप को, उसका लोभ मोह सब कुछ खत्म हो जाता है और उसको अपनी पहचान हो जाती है। आज की वीडियो में हमने जाना पतंजलि योग दर्शन के सेकंड सूत्र को। इससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई बात आपको समझ नहीं है आई है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सूत्र के बारे में की एक्सप्लेनेशन जानेंगे, उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप चैनल पर नए हैं और आप अच्छे से योगी ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर आपको हर रोज नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।